बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली से हैदराबाद तक हंगामा मचा हुआ है और जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में वामपंथी छात्रों ने पैदल मार्च किया, जमकर नारेबाजी की, तो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में एसएफआई और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। यहां पर एसएफआई ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तो वहीं एबीवीपी ने छात्रों को फिल्म कश्मीर फाइल्स दिखाए और दोनों ग्रुप के बीच में झड़प का वीडियो सामने आया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस के मौके पर धार्मिक नारे लगाए गए जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में एएमयू प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रॉक्टर ने बताया कि एक युवक ने धार्मिक नारे लगाए थे और उसकी पहचान के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन तस्वीरें जेएनयू, एएमयू, हैदराबाद, तीनों ही जगहों पर जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। जेएनयू में तो पहले भी फिल्म की स्क्रीनिंग कराने की कोशिश की गई, बिजली कटी, फिर थाने में पहुंचे, फिर एक बार फिर से कल प्रदर्शन हुआ। उसके बाद अगर हम एएमयू की बात करें तो वहां तो नारेबाजी हुई है। जेएनयू की तस्वीरें जहां पर रात को ढपली लेकर एक बार फिर से छात्र सड़क पर दिखे, रात को मार्च करते दिख रहे और इनका कहना है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए, फ्री प्रेस के तो ये बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि जब कश्मीर फाइल्स आई थी तब यही छात्र थे और इनके ही बोल, इनकी ही बातें बिल्कुल अलग थी। तो एएमयू में धार्मिक नारेबाजी हुई है, जिस शख्स ने नारेबाजी की है उसकी कहा जा रहा है कि पहचान की गई। देश की यूनिवर्सिटीज में जमकर हंगामा बरपा हुआ है और इन यूनिवर्सिटीज में हंगामा बरपा हुआ है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर, वो डॉक्यूमेंट्री जिसे भारत में बैन किया गया, वो डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर सरकार कह रही है कि एक प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश, उनको क्लीन चिट मिली, एसआईटी का गठन हुआ, उनको क्लीन चिट मिली, लेकिन उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री उनकी छवि खराब की गई। जब देश की कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी लेकिन उसके बाद अगर एक डॉक्यूमेंट्री में उनकी छवि को वाकई आघात पहुंचाया जा रहा है और उसे भारत में बैन किया गया तो यूनिवर्सिटी में यह हंगामा क्यों, ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है।